हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, फाइनली एप्पल की तरफ से iOS 16 का एक और नया शानदार अपडेट यहाँ पे सभी आईफोन्स मॉडल के लिए रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि दोस्तों, आईफोन 8 सीरीज के बाद जितने सारे डिवाइसेस है आईफोन 14 तक सभी मॉडल्स के लिए देखेंगे, आज यहाँ पे स्टेबल पब्लिकली एक नया अपडेट रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। इस अपडेट के वर्जन के बारे में बात करेंगे। सो iOS 16.1.2 का एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। एंड साइज के बारे में बात करेंगे, 286 MB अपडेट का साइज है। वैसे दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन 13 है, 14 या फिर प्रो लेवल का मॉडल से, तो 300 या फिर 400 एमबी के आसपास इस अपडेट का साइज रह सकता है। वैसे दोस्तों, बात करेंगे इस अपडेट के बाद आपके फोन में यार कौन कौन से चेंजेस मिल जाते हैं, नेटवर्क में आपको कौन कौन से चेंजेस मिल जाते हैं, कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन मिल जाते हैं, सब डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास है iPhone 12 सीरीज का डिवाइस एंड मुझे iOS 16.1.2 का जो अपडेट है मॉर्निंग में ही यहाँ पे रिसीव हो चुका था। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सा मॉडल, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड इस अपडेट का रिव्यू तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक जरूरी बात आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आपको कभी कभार अपने iPhone से यहाँ पे लोकेशन शेयर करना पड़ता है। एंड आप में से काफी सारे लोग चाहते हैं कि यार अपना जो लोकेशन है वो यहाँ पे रियल लोकेशन कभी ना शेयर करें, आप यहाँ पे एक डमी मतलब वर्चुअल लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आईफोन से वर्चुअल लोकेशन शेयर करना है तो आपके पास टेनर शेयर का iAnyGo सॉफ्टवेयर होना काफी जरूरी है। इस सॉफ्टवेयर के मदद से आप फ्रीली देखेंगे किसी भी जगह का GPS लोकेशन शेयर कर सकते हैं। एंड वन क्लिक में देखेंगे किसी भी जगह का लोकेशन शेयर कर सकते हैं। एंड एक साथ 15 डिवाइस में देखेंगे लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया पे वर्चुअल लोकेशन को शेयर करना है तो किसी भी सोशल मीडिया पे वर्चुअल लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। सो जस्ट आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एंटर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने आईफोन को कनेक्ट करना है, उसके बाद ट्रस्ट ऑन दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। एंड अपने आईफोन का जो डेवलपर मोड है, जस्ट आपको डेवलपर मोड को ऑन करना है। एंड इसके बाद किसी भी लोकेशन को सर्च करके टैप करना है। टैप करने के बाद आपको स्टार्ट टू मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। सब अपने किसी भी सोशल मीडिया पे देखेंगे वर्चुअल लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। सो आपने देखा कैसे मैंने व्हाट्सएप पर एक वर्चुअल लोकेशन को शेयर किया है। एंड इसके अलावा दोस्तों, आपको सिंगल स्पॉट मूवमेंट है, मल्टी स्पॉट मूवमेंट, अगर आपको जॉयस्टिक मूवमेंट वगैरह चेंज करना है, रोड को चेंज करना है, सो भी आप चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसका जो डाउनलोड लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, सो जल्दी से विजिट कीजिए। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस लेटेस्ट नो iOS 16.1.2 अपडेट के बारे में, क्यों जो अपडेट यहाँ पे रिलीज किया है। सो मैंने अपने iPhone 12 में इस अपडेट को सक्सेसफुल इंस्टॉल किया है। सो आप देख सकते हैं iOS 16.1.2 का लेटेस्ट न्यू वर्जन है। एंड ये कोई बीटा अपडेट नहीं है, स्टेबल ही अपडेट है। इसके लिए दोस्तों बात करेंगे, अपडेट इंस्टॉल होने के बाद जो स्टोरेज है क्या कुछ चेंजेस हुआ है, उसके बाद जो मॉडेम फर्मवेयर है उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है। सो अपडेट इंस्टॉल करने से पहले जो स्टोरेज था 80.77 GB के आसपास था। एंड अपडेट होने के बाद भी देखेंगे 80 GB के आसपास है, तो स्टोरेज में ज्यादा कुछ खास आपको चेंजेस भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मेरे फोन्स में यहाँ पे जो मॉडेम फर्मवेयर है, पिछले 3 अपडेट के बाद यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सेम टू सेम आपको मॉडेम फर्मवेयर देखने को मिल जाता है। एंड हो सकता है कि iPhone 13 या फिर iPhone 14 सीरीज में आपका मॉडेम फर्मवेयर चेंज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, अगला जो अपडेट आने वाला iOS 16.2, उसमें आपको जो मॉडेम फर्मवेयर है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको एक 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इस अपडेट के बाद आपको नेटवर्क रिलेटेड काफी सारे बग्स को फिक्स किया गया है, वॉइस कॉलिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो चुका है। वैसे दोस्तों, इस अपडेट के बाद ज्यादा कुछ खास आपको फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपको क्या कुछ इंप्रोमाइजेशंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको नेटवर्क प्रोवाइडर की जो कंपैटिबिलिटी, जैसे कि वोल्टी का जो सपोर्ट से आपको यहाँ पे बेटर तरीके से इंप्रूव किया है। जैसे कि दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों के यार कमेंट्स आते थे कि हमारा जो वोल्टी का सिंबल से वो भी यार शो नहीं हो रहा है। एंड दोस्तों बात करेंगे वॉइस कॉलिंग के टाइम हमारा जो वॉइस है यहाँ पर बार बार ब्रेक हो रहा है, मतलब वॉइस ड्रॉप होता है। सो जो प्रॉब्लम है वो भी इस अपडेट के बाद फिक्स किया है। जैसे दोस्तों आप कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि जियो का है, एयरटेल का है, वोडाफोन आइडिया का है, सो आपको अपने नेटवर्क में कोई भी ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आपका जो नेटवर्क बाहर है उसमें भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। 4G वोल्टी का जो प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे, आपको अभी तक 5G का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट हाँ अगर आपको जो वोल्टी का सपोर्ट से उसका जो इंप्रोमाइजेशन है वो आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। स्पेशली वॉइस कॉलिंग में आपको एक बेटर बड़े सा HD में वॉइस कॉलिंग देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपके फोन में मोबाइल नेटवर्क का जो इश्यूज है वो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड जो वाईफाई का इश्यूज है वो तो आपको शायद नेक्स्ट अपडेट के बाद ही फिक्स हो सकता है, क्योंकि आपके फोन में मॉडेम फर्मवेयर अभी तक चेंज नहीं हो चुका। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जो की स्पेशली आईफोन 14 सीरीज के लिए, आईफोन 14 हो, 14 प्रो हो, 14 प्रो मैक्स हो। सो आईफोन 14 सीरीज में आपको जो क्रैश डिटेक्शन है वो यहाँ पे रिमेंस ऑन रहता था। मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पे म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर मल्टीमीडिया सुन रहे हैं सो आपका जो इमरजेंसी एसओएस के अंदर जो क्रैश डिटेक्शन का फीचर्स रहता है वो बाय डिफॉल्ट मतलब कि कभी कभार ऑटोमेटिकली ऑन रहता था। सो अगर आपको मैन्युअली उसको ऑफ करना है सो मैन्युअली उसको ऑफ कर सकते हैं। सो ये जो बग्स है स्पेशली आईफोन 14 सीरीज में ही देखने को मिलता था, इसलिए मैंने आपको बताया कि आईफोन 14 सीरीज में इस अपडेट का जो साइज है लगभग थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। बाकी दोस्तों कैमरे के बारे में बात करेंगे, सो कैमरे में मुझे अभी तक कोई भी ज्यादा इशू देखने को नहीं मिला है, फोटो हो या फिर वीडियो हो, कैमरा शेकिंग हो, कैमरा लैगिंग हो, किसी भी टाइप के इश्यूज अभी तक देखने को नहीं मिला है। सो कैमरा एज वेल आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों मुझे इस अपडेट के बाद एक दिक्कत देखने को मिली, मेरा जो डिवाइस यार बार बार हीट हो रहा है। सो iOS 16.1.2 को इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत हीटिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यार सर्दियों का मौसम है फिर भी मेरा फोन यहाँ पे बार बार हीट महसूस हो रहा है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके फोन में ऐसा कोई हीटिंग का इश्यूज देखने को मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि मुझे तो अपने फोन में यहाँ पे हीटिंग का इश्यू देखने को मिल चुका है। बाकी दोस्तों बैटरी के बारे में बात करेंगे, सो बैटरी एज इट इज है, आपको ऑप्टिमाइज है, कोई भी ज्यादा आपको इश्यूज तो देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों बैटरी बैकअप एंड बैटरी ड्रेन के बारे में बात करेंगे, सो लगभग 1 से 2 दिन में इसको इस्तेमाल करूंगा तब जाके मैं आपको इस बैटरी के बारे में आपको रिव्यू दे सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो इस अपडेट के बाद जो स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन है वो भी यार काफी बढ़िया है। एंड वैसे भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रीवियस 3 अपडेट के बाद मुझे जो स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। अब देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्विकली देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में स्टोरेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। सो स्टोरेज के बारे में भी आपको ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे आईफोन्स में आपको 5G का अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 5G कंपैटिबिलिटी वो कब तक इनेबल हो जाएगी, एंड जो iOS 16.2 का अपडेट है वो कब तक रिसीव हो जाएगा। सो तो दोस्तों सभी आईफोन्स मॉडल में आपको इसी महीने में मतलब कि अगले 10 दिन में आपको iOS 16.2 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको पब्लिकली देखने को मिल जाएगा। एंड उस अपडेट के बाद आप अपने फोन में 5G कंपैटिबिलिटी को इनेबल कर सकते हैं। सो जैसे iOS 16.2 का अपडेट रिसीव हो जाता है तो उसका भी रिव्यू हमारे चैनल पे आने वाला है। सो चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।